सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे 5 से 10 मिनट के निमान से देखिएगा। मैं चाहूंगा मंच का और सभा का एक सामंजस्य बन सके, उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक बार आंखें बंद करके सीधे बैठिए, मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण आप कीजिएगा एक बार, जिसका उद्देश्य यह है जो मैं कहना चाहूंगा वो आप समझ से सुन सके और जो आप सुनने आए हैं वो हम कह सके। निवेदन है ओ आज के मुख्य अतिथि प्रातः वंदनीय बहुत ही कर्मठ मेहनती परिश्रमी ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनको इनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण तो मैं स्वयं हूं, ऐसे व्यक्तित्व के प्रबल धनी महंत सुब्रायनाथ जी योगी गुरुकुल तक्षशिला प्रबंधक समिति के सदस्य मेरे गुरुजी रहे श्रीमान कृष्णपाल जी आर्य, प्रधानाचार्य महोदय, प्रशासक महोदय, हमें अपने पिता की तरह यहाँ आशीर्वाद देते श्री ओम प्रकाश जी गहलोत, तमाम गुरुकुल तक्षशिला के अध्यापकगण, अध्यापिका बहने, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आपने आज तक आपके बच्चे तरह तरह के विद्यालयों में स्कूलों में पढ़ाए होंगे। गुरुकुल तक्षशिला अपना द्वितीय वार्षिकोत्सव मना रहा है। इस गुरुकुल को चले केवल 2 वर्ष हुए हैं। मेरा गांव यहां से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन 2 साल के अनुभव के आधार पर मैं आप सज्जनों को यह बताना चाहूंगा और विनती करूंगा कि गुरुजी भी इस बात को ध्यान से सुने। हमने यहां पीछे 24 दिसंबर को स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपने बच्चों की एक जागृति रैली इन गांव से निकाली थी, जिसमें हम तमाम लोग भी शामिल हुए थे। हरियाणा में मैंने ये क्षेत्र विशेषकर इस बात के लिए बहुत ही प्रेमी पाया है, यहाँ के लोग यज्ञ हवन को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस बात के लिए मैं इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र के लोगों का दिल की अंतरंग गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आज देखिए आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरे मायने में जो मैं समझता हूं, जो मैं शिक्षा यहां देना चाहता हूं, उस मायने में ये एक सर्वांगीण विकास के मायने में सिर्फ ये 2% है, इसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। इसकी उपयोगिता क्यों नहीं है ये तो आपको कहीं भी मिल जाता। आप इस बच्चे को, आप अपने बालक को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? जो मेरा मोटिव है, मैं आपको 2-3 मिनट गुरुजी से आज्ञा ली है, 2-3 मिनट में बोलना चाहूँगा इस बारे में। आज युवा कहाँ है? आपका बच्चा, आप सभी हिंदू समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे 2-3 मिनट ही बात कर पाऊंगा, गुरुजी को जाना है, लेकिन क्या आप मेरे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? हिंदू, सिख,